सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को ओम का प्रतीक माना जाता है। ओम का निराकार स्वरूप धरती पर पहली बार राजस्थान में साकार हुआ है। राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ तहसील के जॉर्डन गांव में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 250 एकड़ में फैला है ओम आश्रम। ओम आश्रम जॉर्डन के सचिव स्वामी फूलपुरी ने बताया कि विश्वदीप गुरुकुल में स्वामी महेश्वरानंद के आश्रम में ओम की आकृति वाले इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण बीते 25 साल से जारी है। करीब 250 एकड़ में फैले आश्रम के बीचों बीच इस मंदिर को बनाया गया है। चार खंडों में विभाजित है ओम आकृति का शिव मंदिर। पाली के गांव जॉर्डन स्थित ओम आकृति वाला यह शिव मंदिर चार खंडों में विभाजित है। एक पूरा खंड भूगर्भ में बना हुआ है, जबकि तीन खंड जमीन के ऊपर है। बीचों बीच स्वामी माधवानंद की समाधि है। भूगर्भ से समाधि के चारों तरफ सप्त ऋषियों की मूर्तियां हैं। 1995 में हुआ था शिलान्यास। ओम आश्रम जॉर्डन पाली का निर्माण उत्तर भारत की नागर शैली स्थापत्य कला व वास्तुकला के आधार पर किया जा रहा है। करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फैले ओम की आकृति के इस शिव मंदिर का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ था। उस वक्त शिलान्यास समारोह में देश भर से साधु संतों ने हिस्सा लिया था। शिखर पर ब्रह्मांड की आकृति। राजस्थान के इस ओम आश्रम में भगवान शिव की 108 अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में कुल 108 कक्ष है। इसका शिखर 135 फीट ऊंचा है। सबसे बीच में गुरु महाराज स्वामी माधवानंद की समाधि है। सबसे ऊपर वाले भाग में महादेव का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मांड की आकृति बनाई गई है। 2022 में ओम आश्रम के उद्घाटन की उम्मीद है। ओम आश्रम के सचिव स्वामी फूलपुरी के अनुसार विश्व के एकमात्र ओम आकृति वाले इस शिव मंदिर का निर्माण कार्य 95% पूरा हो चुका है। फिलहाल लाइट फिटिंग, पेयजल लाइन आदि के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 400 लोग इस कार्य में जुटे हैं। इस वर्ष में ओम आश्रम का उद्घाटन होने की उम्मीद है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।